भैया आप प्लीज हाथ जोड़ करके, अगर आप जा रहे हैं तो जाने वाले को भगवान कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बाकी लोग बैठ जाएं क्योंकि खड़े होकर के तमाशा देखा जाता है। कोशिश तो बहुत की गोपाल जी आपने पब्लिक को उकसाने की, आया धीरे धीरे मैं कसर रही बस के उतरिया धीरे धीरे, और मेरी बाल्टी दावेदार उतरिया धीरे, मैं कसर रह गई। पब्लिक को उकसाने में आपने कसर तो कोई छोड़ी नहीं, लेकिन खैर जितना आप जानते हैं उतना आपके साथ है, ये पब्लिक सब जानती है। केवल एक छोटी सी बात कि भोले बाबा की शादी में कौन आया बरवनिया के मोह तो मालूम ना, तुम्हें बताइए क्यों बताऊं भाई, क्या आपने पैसे नहीं लिए? पैसे तो नो कह रहे हैं, फलानो पुराण रखो है, फलानो लिंग पुराण रखो है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि बरवनिया कौन लाया था। खैर इस बात को छोड़ो, एक मैंने प्रश्न रखा कि बिजेंद्र गुरु की बात थी कि तेने कौन सो रूप ना देखो, और आप मैं कब कह रहा हूं, मैं तो केवल इतनी बात कह रहा हूं कि जैसे ही वो पत्नी गिरी मां उसकी, तो बेटा उठाने के लिए पहुंचा तो उसने ये कह दिया कि तेरे पापा ने जो ना छुए मेरे अंग मैं ते पकड़ उठा लियो। इसमें क्या गलत कह दिया उसने? अब तुमको ये बताना था कि ऐसा कौन सा अंग है जो पति ने अपनी पत्नी का नहीं छुआ, यही बात थी। और तुम झंडा के बाग में ढोल ले हो और नो कह रहे अपने नंबर खुद बताइए छो बताऊंगा ही क्यों। एक गा रहे थे मामा, अभी पिछले दंगल में चार मामा गाए थे इनने, और जिद कर गए कि पांचों, मैंने पांचों और दिन वोट बताया तो वो आज बहुए गाए गए, इसलिए तो ये पूछ ही रहे कि तुम बता दो अपने आप, तो अगले नंबर पे गाओगे दंगल में तो तुरंत बता दूंगा तुम्हें कि मेरा नाम गोपाल जनाना है। तुम जैसे लोड़ा मैंने 80 निकाल दे अपनी टांग के नीचे थे, गोपाल जनाना कहते हैं। मैं कब कह रहा हूं तो गोपाल जनाने ना कहे, भैया तुम गोपाल जनानो ही है। एक गीत गा रहे थे अभी अभी, इसमें निरे टुकड़े हैं अभी तो इसके खेल रह गए, रमी 3-2-5 भल्ला ढेला पकड़ इन सबको घटा के मैं गाता हूं, लेकिन आप नए कलाकार हैं, कोई नई बात निकाल के लाते, ये तो बात पुराने कलाकारों ने गा गा के बंद कर दी। एक गीत छोटा सा गाया था कि बीज कड़वे तो वो ही चुके हो, मैं लिखता तो बहुत बड़ी बात थी, एक बच्चे ने लिखा हुआ, इस लौंडे की एक कलम पे तुम एक कलम नहीं रख सके, मुझसे तो लड़ना दूर की बात है, इसके पेशाब में डूब करके मर जाओ तुम्हें शरम आनी चाहिए। गुरुदेव एक बात मैंने तू मत के बे थोड़ी लगी एक बात नहीं, अभी ये कह रहे थे हमारे गोपाल भाई की रावण की मूर्ति कहीं मिलती। गोपाल भाई मैं इस उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, नोएडा सेक्टर 62 के पास एक कुलेसरा गांव है, जहाँ रामनवमी वाले दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी का पुतला फूंका जाता है, और रावण की मूर्तियां की तस्वीर हर दुकान पर रखी मिलेगी, केवल साल में एक ही दिन मेला लगता है। अरे छोड़ पूरे भारत में, गुरुदेव रुको, पूरे भारत में रावण का पुतला फूंका जाता है, लेकिन नोएडा के कुलेसरा गांव में भगवान श्री राम और जानकी और सीता जी ने भी यज्ञ करने के लिए राजा जनक के यहाँ बुला करके लाई थी, पंडित है वो बहुत बड़ो, मैं जा रावण की लूंगा मोहिना मालूम राक्षसों को, मैं तो ये जानता हूँ कि भिक्षु का बहुत बड़ा पंडित था, उसकी मूर्ति लूंगा। खैर सब बातों को छोड़कर एक गीत बढ़िया सुनाऊंगा मैं आपको, और एक टुकड़े की मुझसे फरमाइश आ रही है बहुत देर से, उस टुकड़ों की रख रख करके जाऊंगा जो आप कम से कम 4-4 दिन बैठ करके चर्चा करेंगे, जैसे कि मैंने ये गाया है तेरी अम्मा ने ना छुओ मेरे अंग। हरी मां साहब दिखाए सत्यवादा भक्ति सुबह का
मारोगे तो वो तुम्हें गारी नहीं दे, वो भाई गारी बंदना होगी। तो कहने का मतलब उदाहरण है ये कि दूसरा सामने वाला आया है तो अपने नंबर पे कछु न कछु तो पके वो, जब आए हो तो ढोलक बाजन ने लेके कोई बाज के जावे वो रात तो काटे। तो कहावत ये है, नजर ते नजर मिली मेरी, अरे जाकी नजर ते नजर मिली मेरी, जाए समझ के बढ़िया ले की नजर पे नजर मिली है मेरी, जय समझ के बढ़िया ले आए। और प्यारो खूंटा तोड़ के भग जाएगी, ओ भाभी 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 तो लेगी चाबी, ऐसी बात न मत करो भाई, मेरी भाभी है। प्यारो खूंटा तोड़ के भग जाएगी और जाए डार के कड़िया ले आए।
नंबर चल रहा है, अखाड़े को छोड़ के एक भी नहीं दिख रहा है। ढोलक वाले, बाजे वाले, तांसे वाले, गाय कलाकार, चराने सब भाग गए। प्यारो खूंटा तोड़ के भग जाएगी, चाहे डर के कड़िया ले आए, और तुम्हें मन भर दूध पिवा देगी, जाए खबाए के खड़िया ले आए, तुम्हें मन भर दूध पिवा देगी, और तुम्हें मन भर दूध पिवा देगी, जाए खबाए के खड़िया ले आए। और दोस्तों गलत नहीं बोलूंगा, केवल आपके मनोरंजन के लिए बोल रहा हूं, और आशीर्वाद दे देना, क्योंकि आज से मेरा चेला नहीं है, आज तो ये कमेटी वाला है, और जय तो लेके आए मोय और जाग उन्होंने, तो मेरा शब्द सुनना, केवल आपका आशीर्वाद चाहूंगा। तालियों तेरे भाग्य फूट गए राजेंद्र जो जे अल्लड़ पड़िया, मत ना लड़ाई लड़े चाको इल्म को पड़े, अरे मत ना लड़ाई लड़े चाको इल्म को पड़े, धरती पे बेटा हाल कितना मरे जाओगे, शुक्र करो के अब गायरू उन्हें चीज लड़ाना तो बहुत दूर की बात है, तुम पे एक सवैया नहीं लड़ेगा जब तक जिंदे रहोगे तब तक। ए! मत ना लड़ाई लड़े चाटो इलम को पड़े, धरती पे बेटा हाल कितना मरे जाओगे, और लुच्चा गुंडा बेईमान उनको हमें फूपा जान, ये लुच्चा गुंडा बेईमान, ये हमें पुरस्कार दिया है मेरी बहनों ने। हाँ बहन भतीजी बेटा एक ही बराबर होती है, बहन हो भतीजी हो चाहे बेटी हो, मेरी बिटिया ने मुझे पुरस्कार दिया है रसियों में से। आज मेरे पास ये लड़कियों की तरफ से पुरस्कार आया है, लेडीजों की तरफ से, मैं उनके चरणों में सर रख के बार बार वंदन करता हूँ, जनता से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियां मेरी बहनों के लिए बजाएं। धरती पे बेटा हाल कितना मरे जाओगे, वो लुच्चा गुंडा बेईमान उनको हमें फूपा जान, वो मर्दन के झुंडन में कितना मरे जाओगे, मर्दन के झुंडन में कितना मरे जाओगे, और छीनना कटेगी ये हमारे पप्पू टपोरी, नो कह रहे मेरा नाम बोलना पप्पू टपोरी, चिंता मत करो काल जमाने में मैं हूं टपोरी हो, ये सत्य बात है, लेकिन मैं दुआ दूंगा अपने विजेंद्र गुरु को जो मुझको ये सही आदमी बना के छीनना कटेगी, ऊपर नीचे रहे देख, गाय सवैया कभी मर जाओगे, गाय सवैया कभी मर जाओगे, और देख मैंने खिच्चो के पूजे पाम कियो है गुरु को नाम, चोट है बिजंदर की चित्त मर जाओगे, बेटा बहुत है ये तो खेल है, हमारी इनकी कोई दुश्मनी हो रही है, अरे हेल पे लाली लगा करके लाला, देख तो खेल तो जैसे हो जाते हैं बेटा, यही तो हमारी पहचान है, देख बहुत गाना जानते हैं, पैरों के नखून से लेकर यहाँ तक फटकाई भरा हुआ है, लेकिन मैं शर्म इसलिए कर रहा हूँ कि सुबह यही लोग अभी तो तारी बजा रहे हैं, और सवेरे नुई किंगे बाहरे बजंदर के छोरा गारी गाइए वाले रात भर, जा मारे जा स्वागत है और जा स्वापा है भैया मिलन दे बोलना चाहिए। अब मेरा प्रश्न, शादी शुदा नारी तो सिंगार करती, अरे शादी शुदा नारी तो सिंगार करती, शादी शुदा नारी तो सिंगार करती, इसकी इसकी भी चर्चा करेंगे, शादी शुदा नारी तो सिंगार करती,
और विधवा नहीं अपनी मांग भरती। अरे शादी शुदा नारी तो श्रृंगार करती, विधवा नहीं अपनी मांग भरती। और विधवा के नैनों से जलधार झरती, अरे विधवा के नैनों से जलधार झरती, विधवा के नैनों से जलधार झरती। लेके राम नाम भव सिंधु तरती, सुहागिन या क्वारी की निशानी है हर नारी की। अगर सुहागिन होगी तो माथे पे बिंदी लगी होगी, मांग भरी होगी, पैरों में बिछिया, मंगलसूत्र, मालूम पड़ जाएगी ये शादी शुदा है या क्वारी है। लेकिन मेरा पूछने का मतलब चचा, शादी शुदा नारी तो श्रृंगार करती, विधवा नहीं अपनी मांग भरती। विधवा के नैनों से जल धार झरती, अरे विधवा के नैनों से जल धार झरती। और लेके राम नाम भव सिंधु तरती, और चचा अरे सुहागिन या क्वारी की निशानी है हर नारी की। पर क्या है निशानी क्वारे मर्द की, मेरे पास और आई है कमेटी की तरफ से। एक हमारे किच्चो लाला की पुरानी बहर थी, उसको 5 मिनट में सुनाकर केवल एक गीत बहुत अच्छा गाऊंगा मैं, उसके बाद ये दंगल विराम होगा। इनकी तरह सुबह की तरह नहीं गाऊंगा कि ये ताश के पत्ते तो गागा के बंद कर दिए, कोई नई बात लेकर के आना। हाजा मां साहब बहर बाबू गुरु, मैं 1 मिनट आ जाओ मेरे पास। हाँ बेटा बोल। अरे पंछी पारे ते मिला आई तो, अरे रंगीली राधा जमुना। समय तुम गावत गाए, मैं तो पेट में उड़ा हूं गोपी अम्मा के। सही कह रहा हूं मैं, वो समय ही था। लेकिन आपने मुझे फूल बताया है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें एक अंतरा जरूर भर सकूं। दे के जग जा जग जा रे, तू अब तो नंद किशोर। अरे चिरैया चू चू बोले, मगर जब उस्ताद ने कह दी तो फिर तो भूटा के लीन नहीं पड़ेगा। अरे चहकूठी पेड़ों पे चिड़िया, चहकूठी पेड़ों पे चिड़िया, और उठ जमुना जलते नहले। चहकूठी पेड़ों पे चिड़िया, उठ जमुना जलते नहले। और माखन मिसरी गुरु, माखन मिश्री खूब धरान के जाको भोगे।
जुआ एक गीत में अपने मन से इस YouTube के सामने गाऊंगा। मेरा सबसे बेहतरीन गीत है इस साल का लिखा हुआ। ये बात हकीकत है दोस्तों, मैं कभी गलत चीज अपने कलम से लिखता नहीं हूं। जो ज्यादा बदतमीजी और फटकेबाजी करते हैं उनकी कलम भी ढीली हो जाया करती है, ये मेरे गुरु का बताया हुआ रास्ता है। तो एक गीत में बढ़िया गाऊंगा, मां साहब तू मेरी जिंदगी है। मंचे तो रसिया वाला गाना ही होना चाहिए। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, ये पहली मोहब्बत का ये एहसास है तू, पहली मोहब्बत का ये एहसास है तू, बुझके जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, ये पहली मोहब्बत का ये एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखिरी आदमी का काटे अक्सर
आदमी का काटे अक्सर गला भैया सॉरी अब तो दंगल खत्म हो चुका है। गोपाल भैया अपने पराये में जो ना भेद करते और खाते हैं जिन हड़ियों में उनमें छेद करते नवदुर्गों में
महामाया को सर झुकाते चलो माने डूबतों को उबारा है। जमाने के सुरसाज के साथ चलते चले जाओ फिर हर फसाना तुम्हारा तराना है। अरे तो लो भक्तों माँ शेरावाली आएगी सजा लो पूजा के थाल जो भी मांगोगे झोली फैला के मैया मैया कर दे माला माले। धन्यवाद के जगे जगी तेरी ज्योति जागी है। इसी तरीके से के जगे जगी तेरी ज्योति जागी है जगे जगी तेरी ज्योति जागी है। अब दर्शन दे जाओ अम्बे के जगे जगी अरदास लगी माँ जोत जगी अरदास लगी। अब सिंह सजा कर आजा आजा जगी। आपने पिक्चर भी देखी होगी और ये गाना भी सुना होगा मेरे शब्दों पर गौर करें चचा। सा 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 गा गा रे रे सा नी नी सा 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 गा गा रे सा नी नी सा 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 गा गा रे सा नी नी सा 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 गा गा रे सा नी नी सा 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 गा गा पापा मामा गा रे गा 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 पापा मामा गा रे गा गा गा। ओ पानी सा पानी सा पानी सा पानी सा मो पानी मो पानी मो पानी मो पानी आप आदत के बड़े आप आदत के बड़े सख्त नजर आते हैं और मैया के बड़े भक्त नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी भक्ति में मन लगा करके बैठे हैं आदि शक्ति में क्योंकि आजाद घेरे वाली मैया को कौन कौन मानता है हाथ उठा करके और तालियां मैया के लिए ऊपर ही ऊपर बजनी चाहिए। ओ आपका तो लगता है माँ का दूध पिया है तो माँ के लाल बनो लाल भी ऐसे नहीं जग में बेमिसाल बनो। क्यों अपने भक्तों की मैया लाज सदा रखती है जो भी आ जाए दर पे खाली झोली भरती है क्योंकि ये साचा वो दरबार है जो किस्मत बनती है यहाँ आके 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 के जगे जगे और भैया मैं ना उपसांगो इनकी तरह के उतरिया धीरे धीरे मेरी बाल्टी ताबेदार। इसलिए रात भर में जाने अनजाने में अगर मुझसे या मेरे अखाड़े से भाई गोपाल जी के लिए या जनता जनार्दन के लिए अगर कोई गलत शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो तो अपना बच्चा समझ करके मुझे क्षमा करें। जो बात आपको अच्छी लगी हो उसे अपने साथ ले जाएं और जो बात खराब लगी हो वो मुझे वापस दे जाएं। इसी के साथ ही आज का दंगल यही विराम होता है। बोल खेरे बारी मैया की। दोनों भाई मैं क्योंकि आपसे पहली बार संबंध हुआ है वो आगे भी आपसे कम पड़ेगा। अरे
भैया आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप आए इधर। हेलो, देखिए भैया आज के मेले के और आज के प्रोग्राम के भाई ये भी हमारे कलाकार हैं सांड सर्वे ईटो वाले भैया, इनका भी स्वागत होना हो रहा है और होता रहेगा। और मैं गोपाल जी साउंड वाले उनसे भी अनुरोध करूंगा भैया मंच पर आए। गोपाल नाथ अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आए, देरी नहीं करें। और मैं बड़े भाई मोतीराम से अनुरोध करूंगा कि वो बाबा साउंड वालों का स्वागत करें। और दोनों ये गाने के कलाकार उस्ताद मनोज शर्मा और नाथ गोपाल अखाड़ा गोपाल भाई पुरसन वाले कृपया मंच पर आए। मनोज शर्मा जी विजेंद्र कुमार के सुपुत्र, और आतुन भाई साहब कृपया मंच पर आए, इन दोनों को लेकर स्वागत करें आप। और डैनी उर्फ रमेश, चलो आओ ऊपर आओ, जाओ ना तो देना पड़ेगा तुम्हें। कमेटी के भैया जितने सदस्य हैं आ जाओ, क्योंकि हमें मालूम है कि सब घर सब नहीं घर जाना हूँ। और भैया मैं दोनों ही अखाड़ों से ये नेक नेक हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी कमेटी से कोई अनुचित कोई बात हो गई हो उसके लिए क्षमा करें।